भदोही जिले के अभोली ब्लॉक में खानापुर गांव में शौचालय न होने के कारण मीला सहित 200 परिवार को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं अंजना यादव और यह है मेरा समुदाय। हमारे गांव में समस्या भाई है, शौचालय नहीं है। आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है? हमारे गाँव में 250 लोग हैं, शौचालय नहीं है। शौचालय न होने से समस्या क्या होती है? शौचालय न होने से समस्या ये है कि दूसरे खेत में जाते हैं, लड़कियां बच्चा सब परिवार जाते हैं, बैठते हैं, गाली देते हैं महिला। आपने शौचालय के लिए कोई प्रयास किया? प्रयास बहुत किया, प्रधान के यहाँ गए, शौचालय बिना कहा कुछ पता ही नहीं चला। शौचालय बनने से फायदा क्या होगा? शौचालय बनने से फायदा हो जो दूसरे खेत में सब जाते हैं, लड़कियां बच्चा रात बिरात बहुत परेशानी होता है, अपने यहाँ हो जाए रात बिरात लड़कियां बच्चा सब आराम से बैठ जाएगी। आपके घर में शौचालय है? नहीं। शौचालय न होने से आपको दिक्कत क्या होता? दिक्कत होता खेत की यार में जकर जाही झगड़ा करही गारी देही। शौचालय के लिए कोई प्रयास किया आपने? हाँ, प्रधान से कहा लेकिन कोई सुनाई नहीं। शौचालय बन जाएगा तो फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, जन झगड़ा मार कर ही करिए तो आराम रहे अपन मन शौचालय में जाए। आपके समस्या का बा? समस्या ये शौचालय नहीं। शौचालय के लिए कोई प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास किया शौचालय के लिए, प्रधान लगे गए, बहुत जने अधिकारी यहाँ लिख गया था, कोनो लग जाते दबा के धैले थे, पास नहीं कर। शौचालय न होने से क्या समस्या होती है? समस्या बहुत हल हो जाए भाई, बाहर भीतर जब जाते हैं दूसरे खेते में, फायदा ये हो कि दूसरे खेते में न जाए, लड़कियां बच्चे अपने संडास में बैठे उठे। मैं चाहती हूँ कि इन परिवारों के यहाँ शौचालय बने जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि अभोली ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9450186820 पर दबाव डालकर हमारी मदद करें। मैं अंजना यादव, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।